अपने नहीं पसंद नहीं है तो जी। फाइव हो गया कंप्लीट। बस वाले का इतना मेरा एप्लीकेशन इतना वो थोड़ा सा होगा। अच्छा अच्छा सुबह टेबल बना ले। चेक कर ले सॉल्यूशन। डेप्रिसिएशन पहले चेक कर लें। T1 का कितना आ रहा है? तो 2400। ईयर 1 तो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन 40 1440। ठीक है सेम। और ईयर 5 चॉकलेट ठीक है, ये तो डेप्रिसिएशन हो गया। बैक की बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पिछले कैसे है? ये पिछले 2 साल का ऐड किया ना, 2400 प्लस 1440 प्रीवियस ईयर ऐड हो जाता है ना। लेकिन इसमें हमने ईयर 2 में क्या किया था, 2400 दिया था ईयर 1 का। ईयर 3 में क्या होगा, ईयर 1 ईयर 2 दोनों ऐड हो जाएंगे एक्यूमुलेटेड। ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड कितना हो गया, 3840।
अच्छा अब इसकी नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ईयर वन में कॉस्ट 6000 है, डेप्रिसिएशन कितना होगा 2400, बुक वैल्यू 3600। अच्छा ईयर टू 6000 कॉस्ट है एक्यूमुलेटेड 3840 हो जाएगा, 2400 में 1440 ऐड कर लेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। ईयर थ्री कॉस्ट 6000, अब इसमें थर्ड ईयर का ऐड हो जाएगा 3840 प्लस 864 4704, और ये नेटबुक वैल्यू आ जाएगी ईयर थ्री। ठीक है क्लियर। तब ये हमने डायरेक्ट बुक वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है तो आगे भी यही करेंगे। अच्छा अब ये तो हो गया हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, एंट्रीज, अकाउंट्स। ठीक है अब इसमें कुछ नया पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन सिक्स, ठीक है इसमें आगे आएगा डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। ठीक है अच्छा एक एसेट हमने परचेज किया, कुछ साल यूज किया, यूज करने के बाद हम उसे डिस्पोज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लाइट ऑफ कर, क्लियर हो जाएगा ऑन कर बस। ठीक है ठीक है। अब डिस्पोजल क्या है कि एसेट हमने यूज किया, यूज करने के बाद कुछ टाइम के बाद उसको डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया। जब एसेट जब हम सेल करेंगे तो उस पर लॉस गेन हो सकता है, या जो बुक वैल्यू होगी उतने में ही सेल होगा? लॉस गेन हो सकता है ना, बुक वैल्यू से ज्यादा में भी सेल हो सकता है और बुक वैल्यू से कम में भी, डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पर। अच्छा तो अब इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं लॉस गेन की, हमें कैलकुलेट करना होगा और उसकी एंट्रीज और टी अकाउंट्स। अच्छा सिक्स में क्या मशीन कॉस्ट है 6000 इन क्वेश्चन फाइव। अच्छा ये फाइव का डेटा यूज होगा इसमें, इट्स सोल्ड इन ईयर थ्री, ईयर थ्री में सेल कर रहे हैं फॉर 3000। ठीक है अच्छा नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो मतलब दो साल का चार्ज करेंगे, थर्ड ईयर का नहीं होगा। सही फाइन क्या करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल और कंप्लीट लेजर अकाउंट्स। तो पहले लॉस गेन कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। कॉस्ट कितनी है हमारी 6000। ठीक अच्छा थर्ड ईयर में हम सेल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, तो मतलब टू इयर्स का होगा। तो ईयर वन और ईयर टू को ऐड करें, 3840 आ गया, टू इयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तब हमारी मशीन की बुक वैल्यू क्या रह गई 2160। अच्छा सोल्ड कितने में कर रहे हैं 3000 में सोल्ड कर रहे हैं, माइनस करेंगे 3000, आंसर आ गया आपके पास 840। लॉस हुआ गेन हुआ 2000 बुक वैल्यू है, 3000 में सेल ज्यादा में सेल कर रहे हैं ना, गेन हो जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल 840 का। तुम क्वेश्चन फाइव का यूज किया ना नहीं है? हाँ फाइव वाला डेटा यूज किया, फाइव ने टू इयर्स का कैलकुलेट किया था ना 24 और 1440। अभी ये कॉपी कर ले, जिसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन है लॉस गेन ऑन डिस्पोजल।
जी कॉपी कर लिया। अच्छा ये हो गया लॉस गेन कैलकुलेशन। अच्छा सिंपल है, सही। इसके बाद क्या, कंप्लीट लेजर अकाउंट टू शो हाउ द डिस्पोजल वुड बी अकाउंटेड फॉर। इंट्रीज बनाते हैं। अच्छा ये मशीन अकाउंट बनाएंगे। अच्छा पहले टी अकाउंट्स बनाते हैं, ये अकाउंट से बेहतर समझ में आएगा, उसके बाद एंट्रीज बनाएंगे जनरल एंट्री। तो ये हमने एक मशीन अकाउंट बनाया, मशीन का बैलेंस कितना है 6000 जो उसकी कॉस्ट है, और 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन होगा एक्यूमुलेटेड 3840। अब ये मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एंट्रीज क्या होंगी, अब वो बनाएंगे। इसमें पहले आपको ठीक है ये बता, ये हमारे बैलेंसेस हैं, मशीन अकाउंट का बैलेंस 6000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3840। नहीं वो बाद में समझ भी नहीं आएगी, पहले ये समझ आ जाएगा इससे, ठीक। अच्छा देखिए जब हम ऐसे डिस्पोज करते हैं ना, तब हमने भी एक लॉस गेन कैलकुलेट किया कैलकुलेशन के थ्रू ना, लॉस गेन निकाला। तो यही लॉस गेन, अच्छा ये जो लॉस गेन हमने कैलकुलेट किया, ये सिर्फ आपके एक पढ़ने के हद तक है, ठीक है। जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं होती, बल्कि टी अकाउंट बनता है, ठीक है ना। टी अकाउंट बनेगा और उस टी अकाउंट से हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। इसे पढ़ने के तक आपके, तो उसके लिए एक अकाउंट बनेगा डिस्पोजल के नाम से। जब भी कोई ऐसे डिस्पोज करेंगे तो एक अकाउंट ओपन हो जाएगा डिस्पोजल के नाम से। अच्छा डिस्पोजल अकाउंट क्या है, एक टेम्पररी अकाउंट है, डिस्पोजल के टाइम पे ओपन होगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा, खत्म, सही है। अब देखिए एंट्रीज क्या बनेंगी, तो इसकी कोई नेचर नहीं है, टेम्पररी अकाउंट होगा, सही। तो जब हम एंट्रीज बनाएंगे तो हमें दूसरे अकाउंट्स को देखना है, डिस्पोजल को नहीं देखना, वो अपोजिट साइड पे आ जाएगा, जैसे सस्पेंस में होता था याद है, ये कहीं भी नहीं आएगा, ये टेम्पररी अकाउंट है, डिस्पोजल के टाइम पे ओपन होगा, लॉस गेन कैलकुलेट करने के बाद क्लोज हो जाएगा, खत्म। जो भी लॉस गेन आएगा वो हम इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे और ये डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, ये कहीं नहीं आएगा। अच्छा मशीन अब हम डिस्पोज कर रहे हैं, तो मशीन गई, मशीन अकाउंट क्या होगा, मशीन हो जाएगी आपकी क्रेडिट ना, मशीन जा रही है, ठीक है। मशीन को हम करते हैं क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। हमने मशीन अकाउंट क्लोज कर दिया डिस्पोजल अकाउंट, मशीन क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, सही है। अच्छा देखिए कुछ भी नहीं होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब हमने देखिए मशीन को तो क्रेडिट किया, मशीन अकाउंट हो गया क्लोज। अच्छा अब ये जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है एक्यूमुलेटेड, इसका क्या करें, इसको भी क्लोज कर दें, क्योंकि जब वो मशीन ही नहीं रही तो ये अलाउंस अकाउंट को मेंटेन रखने का क्या फायदा, इसको भी क्लोज करते हैं, तो ये भी क्लोज हो जाएगा मशीन के साथ साथ, ठीक है। अभी क्लोज करेंगे तो क्या होगा, डेबिट डेबिट करना पड़ेगा, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ये सेकंड एंट्री हो गई हमारी, सही है। अच्छा अब थर्ड क्या है, देखिए हमें कैश, हाँ भी उस पे आ रहे हैं ना, अब क्या हमें कैश मिल रहा है, कितना, 3000 कैश आया, कैश क्या होगा, डेबिट क्रेडिट, कैश डेबिट हो जाएगा, तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट हम नहीं बना रहे यहाँ पे, तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो थर्ड एंट्री क्या बनेगी, थर्ड एंट्री कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब अकाउंट्स क्लोज करते हैं, मशीन अकाउंट क्लोज हो गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया, डिस्पोजल अकाउंट क्लोज करेंगे, इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड का, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम, तो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पर और ये हो जाएगा आपका गेन ऑन डिस्पोजल, और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में और वहां ले जाकर इसे अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर, और उसके बाद ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, सारे अकाउंट क्लोज हो गए, इसे गेन की फिगर यहाँ से इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, क्लियर। तो टोटल 3 एंट्रीज बनी हमारी। अच्छा पहली क्या थी, एक मिनट, मशीन क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, सेकेंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट,
थर्ड हो गई कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ठीक है। तो अब इंट्रीज पहले बनाएंगे टी अकाउंट्स, टी अकाउंट्स बना ले, फिर जनरल जनरल भी बना लेंगे, इसकी जनरल एंट्रीज बना। कॉपी हो गया। बनेगी 27 चार हो जाएंगे, एक और बनेगी फिर बता दो चौथी कॉपी कर लियो। अच्छा देखिए हमने लास्ट वाला प्रॉफिट कैसे आया, कोई डिस्पोजल इसकी नेचर क्या है? नेचर नहीं है, नेचर नहीं है कोई नेचर नहीं। फिर इसको हमने डेबिट क्यों किया? किसको डेबिट किया, इसको थोड़ी डेबिट किया, हमने मशीन को क्रेडिट किया। उसकी इसको वजह नहीं, से इसको डेबिट हुआ इसको है नहीं देखना इसको। ना आपने, उसको देखना है। मशीन हमारी डिस्पोज हो रही है, मशीन गई, मशीन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, मशीन क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, ऑपोजिट पे आ रहा है बस। एंट्री बनाते हुए डिस्पोजल को नहीं देखना आपने, आप उसको देखना। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे, डेबिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जो कैश हमने रिसीव किया कैश डेबिट होगा, तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया, इसको नहीं देखना आपने, दूसरा अकाउंट को देखना, ठीक। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, मशीन अकाउंट क्लोज हुआ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज हुआ, डिस्पोजल अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, डिफरेंस निकलेगा, ये हो जाएगा आपका गेन ऑन डिस्पोजल। एंट्री बनाते हुए इसको नहीं देखना, ये डेबिट क्यों हो रहा है, इसको देखिए वो मशीन जा रही है, मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। सही, अच्छा ये हो गए टी अकाउंट्स, अब इसी को जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में बना लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर गेन कहाँ पे आ रहा है, हमारे डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट पे आया ना, गेन हुआ डेबिट, यानी कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और ये फिर क्रेडिट कहाँ होगा, इनकम स्टेटमेंट, तो ये चौथी एंट्री हो जाएगी।
देखिए चौथे दिन पे क्या हो गया, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ 840 से, क्रेडिट कहाँ होगा इनकम स्टेट। तो टोटल 4 एंट्रीज बनेगी। अब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं इसकी। पहली एंट्री होगी डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट, सेकंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, थर्ड कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, फोर्थ गेन की रिकॉर्ड करेंगे उसमें डिस्पोजल डेबिट हुआ गेन क्रेडिट। और ऐसे देखिए गेन क्रेडिट ही होता है, लॉस डेबिट होता है, तो गेन क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा अपोजिट साइड। ये इसके टोटल 4 एंट्रीज। हाँ गेन इनकम एक ही होगा और लॉस और एक्सपेंस एक ही होगा। क्या चीज क्वेश्चन 7? हाँ अच्छा, एंट्रीज कॉपी कर ली, खुद ही करेंगे। एंट्रीज कॉपी हो गई। अच्छा देखिए इन्हीं एंट्रीज को एक और तरीके से पूछ सकता है वो एग्जाम में, ठीक है। इन चारों एंट्रीज को अगर हम मर्ज कर लें, मर्ज करके कंबाइन भी बना सकते हैं, बनती यही वैसे प्रैक्टिकली, लेकिन एग्जाम की हद तक वो इनको कंबाइन करके भी दे देता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कंबाइन करके ना। तो कंबाइन करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट रिमूव हो जाएगा इसमें से, बचेगा कि आपके पास देखिए मशीन क्रेडिट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और ये गेन क्रेडिट, बस ये एंट्रीज बनेगी। डिस्पोजल रिमूव हो जाएगा कंबाइन करने पे, ठीक है। कंबाइन एंट्री पर हिस्सा बनेगी कुछ, देखिए कैश आ रहा है, कैश आया डेबिट हो गया। अच्छा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्लोज किया डेबिट हुआ, मशीन हमारी गई मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया और गेन हुआ था क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इसकी एक हाँ ये सेकेंडरी में ऐसी बनती है, वहां डिस्पोजल अकाउंट नहीं पढ़ाते, वहां ये बनाते हैं, वहां डायरेक्ट बनती है, सेकेंडरी में ऐसे ही होता है। अब तो ये भी कॉपी कर लेने कंबाइन इट, इसमें डिस्पोजल नहीं आ रहा, कोई एंट्री पूछ सकता है डिस्पोजल की, तो इस तरह ऑप्शन में आपको कंबाइन करके दे देगा वो। एंट्री लिखी होगी ना टैक्स फॉर्म, एंट्री होगी पूरी, एक ही ऑप्शन है एंट्री, डेबिट क्रेडिट सब है। नहीं FA2 में पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से। हाँ कंबाइन कर दिया हमने, डिस्पोजल हट जाएगा। क्या डिस्पोजल करेंगे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लेना, क्वेश्चन करवा दूंगा इसका, ठीक है। तो ये एक कंबाइन एंट्री भी बन सकती है इसकी विदाउट डिस्पोजल अकाउंट।
ठीक है। इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम? जी एंट्री कॉपी हो गई? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये इसकी कैलकुलेशन है, इसको देखते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक, कैलकुलेशन में देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, अब ये मिसिंग फिगर्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने देखना। ऑप्शन वन में क्या है, कॉस्ट आपको दी हुई है 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, सेल प्रोसीड 40, नेटबुक वैल्यू बताएं और गेन या लॉस बताएं। अच्छा गेन यहाँ ब्रैकेट में नहीं है, लॉस ब्रैकेट में, इसको तो ये जो आगे आपको वैल्यू दी ना 4 में 262, ये लॉस है और 20,000 ये लॉस। तब यही कैलकुलेशन आपकी यूज होगी, इसी कैलकुलेशन को रिवर्स फॉरवर्ड करके आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में, इसी में नहीं, इसी फॉर्मेट में। क्वेश्चन 7 इसी फॉर्मेट में सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करें फिर आंसर टैली करते हैं इसके। इसी में कर लें, हाँ शीट पे लिख दें, कैलकुलेट करके इस पे लिख सकते हैं अलग से। बन
अच्छा आपका MA2 का टेस्ट कब लगा हुआ है? सैटरडे को। सैटरडे है ना। नेक्स्ट वीक में FA1 का लगवा दें, बैडेट्स का टेस्ट FA2। अच्छा वाली फोर वाले का कॉस्ट 681 कुछ गलती हुई कंप्लीट हो गया। कंप्लीट टैली करें। चलिए 7 का 1 1 देंगे। सही है। 2020 सेकंड 2550 सही 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 ठीक है। थर्ड ईयर थर्ड सही सही नहीं सही 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 ठीक है। फोर्थ हाँ क्या हुआ जीरो कौन 312 कैसे हैं? असल में ये लॉस है नेगेटिव, इसको जरा ख्याल रखना है। देखिए फाइन क्या करना था, नेटबुक वैल्यू ना और सेल प्रोसीड डीवी है। देखिए सेल प्रोसीड लॉस कब होता है, जब सेल नेटबुक वैल्यू ज्यादा हो सेल प्रोसीड कम। अब सेल प्रोसीड में लॉस को ऐड कर ले, ऐड कर ले, ऐड हो जाएगा, हाँ ऐड कर लेना। अच्छा रखे ना, लॉस कब होता है जब बुक वैल्यू ज्यादा होती है सेल प्रोसीड का, तो सेल प्रोसीड में लॉस ऐड कर लेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी ज्यादा आपके पास। सही। और ये आ गया आपके पास 15 5। ठीक है क्लियर। हाँ वेट करें, ओके वेट करते हैं। ठीक ओके कंप्लीट हो गया। वेट करें। हाँ मिस्टेक है पास करो।
हाँ ये कॉस्ट में से इसको जी क्लियर हो गया। इसको थोड़ा और सिंपल कर दूं, एक यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो और बेहतर इजी हो जाएगा। हो गया। इसको देखिए एक चीज आप और कर सकते हैं, काम जो हमने कैलकुलेशन की है ना, इसको गेन को करें ब्रैकेट में, ये 2000 में से माइनस 3 कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट, कैलकुलेट करना और आसान हो जाएगा। इसी तो रिवर्स कैलकुलेशन याद है ना, रिवर्स कैलकुलेशन भी होती है, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में। एक काम ये करते हैं, हाँ स्क्रीन हट गई, स्क्रीन आ गई, हम ये करते हैं, इसको हम करते हैं ब्रैकेट्स में, गेन है माइनस में आएगा, ठीक है। अच्छा लॉस यहाँ पर होगा तो क्या पॉजिटिव में आएगा। अच्छा एक काम और करें, अभी हैंड आउट में ना यहाँ लॉस का ब्रैकेट हटा दें, गेन पे ब्रैकेट लगाते हैं, हैंड आउट में अपने पास गेन पे ब्रैकेट्स लगाते हैं, लॉस पे से हटाते हैं, वो सही नहीं है, नहीं ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे आप, ये 125 इसको ब्रैकेट में कर दें अपने पास लिखें, और 262 का ब्रैकेट हटा दें, बताता हूँ इससे क्या होगा, बताता इससे बाकियों के लिए क्या, हाँ 262 हटा दें, 20 का भी ब्रैकेट हटा दें, चेंज हो गए। अच्छा अब देखिए अभी जो आपने जैसे प्रॉब्लम कहाँ रही थी, फोर्थ वाले में ना, इसको अभी आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, क्या हाँ बिल्कुल खेलते हैं, 7 years हो गए, 7 years क्या हो गई, एक्सेल क्यों नहीं खुल रहा है, 7 years से खेल रहा हूँ, 100 से ज्यादा गाड़ियाँ हैं मेरे पास, 7 years हो गए खेलते हुए, अभी स्लो ही चल रहा। अच्छा इससे देखिए फायदा क्या होगा साइन चेंज करने से, हाँ अब वो बताता हूँ, अब थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट आगे पीछे भी होता है ना तो वर्किंग करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ देखिए फॉर्मेट अभी मैंने क्या बनाया, इसका कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या गई नेट बुक वैल्यू, माइनस करेंगे सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड माइनस की तो लॉस या गेन आ जाएगा ना। अच्छा गेन, गेन को हम रखेंगे ब्रैकेट में और लॉस को कर देते हैं ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम किस में आ रही थी आपको, थर्ड वाले में फोर्थ वाले में, फोर्थ में प्रॉब्लम आ रही है ना, देखिए अब इससे ये आसान हो जाएगा। फोर्थ में क्या आपको कॉस फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एक्यूमुलेटेड दिया हुआ 468750, 468750। अच्छा इसके बाद एनपीवी आ जाएगी और सेल प्रोसीड कितनी है, 50,000, सेल प्रोसीड माइनस होती है ना, सही है क्या। चलिए लाइंस रुपी ड्रॉ कर देता हूँ और बेहतर समझ में आएगा आपको, ये आ गया, इसके बाद ये लॉस गेन आ जाएगा ना, ये फॉर्मेट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल लॉस दिया हुआ है ना कितना है, अब लॉस को हमने रखना है पॉजिटिव में, सही है। अब नेटबुक वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स में क्या होता है जो माइनस है वो प्लस होता है, प्लस माइनस हो जाता है, 262 में ये 50,000 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे, ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 312। ये आ गया। अच्छा अब इससे हमने ऊपर जाना है, अभी एक्यूमुलेटेड माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो बुक वैल्यू में इस एक्यूमुलेटेड को प्लस कर देंगे आपके पास कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 7781, ठीक है।
ये आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई, बहुत ही अच्छा है, वो आपको आराम से, आप जिसको जो इजी लगे उस हिसाब से मैंने दोनों बता दिया। तो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो तो आप इसको यूज करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। प्लस हाँ ये भी लिख लें, ठीक है। तू पंचायत में यार बात देख, कौन काम लोग कहाँ बैठे ने बात कर रहे थे नासी नासी बात कर रहे हैं कहाँ राले की बात आप जैसे राम ना राम ना तो इन सब आप देखो आप बहुत अटैचमेंट है काम करने के बाद नहीं कर बैठे बात हूँ थोड़ी देर राणा तो ट्रांसपोर्ट वाला है ना, मेरा राणा ट्रांसपोर्ट वाला है, वो लैपटॉप लाके पढ़ता है सर, लैपटॉप लाके पढ़ता है स्किल्स। हाँ स्किल एग्जाम भी हो जाते हैं, एग्जाम तो सर उनके मास्टर्स 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 की क्या कहते हैं, हाँ दे सकता है अगर उसने ए लेवल्स या बीकॉम किया होता, मतलब बीकॉम या ए लेवल किया हुआ है तो वो एफ वन एफ टू एफ थ्री से पहले एफ फोर दे सकता है। असल आप लोग जो है ना अभी इंटर जो करके आए, आप लोग एसीसी के स्टूडेंट नहीं है इस वक्त, आप एसीसी के स्टूडेंट ही नहीं है, आप एफ आई ए के स्टूडेंट है, एफ डी के स्टूडेंट है, आप एसीसी में भी गए नहीं तो पेपर एफ फोर कैसे देंगे, एफ वन से शुरू होता है, असल एफ वन एफ टू एफ थ्री वहां से शुरू होता है। आप तो अभी एम ए टू एफ टू पढ़ रहे हैं, आप लोग एसीसी के स्टूडेंट ही नहीं है असल में, ठीक है। जो डायरेक्ट बीकॉम या ए लेवल करके आते हैं वो जाते हैं डायरेक्ट एसीसी में, उनका एडमिशन डायरेक्ट कहाँ होता है, एसीसी। आप लोगों का भी एफ डी में हुआ है, एफ ए इंटर ये सब पेपर पढ़ते हैं ना, इसमें क्या देखा वो तीन पेपर देने होते ना, वो ऐसे ही था, मतलब वो था एक के तीन पेपर दे दो इंटर भी आपका हो जाता है, मैट्रिक वालों के लिए था, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं सर वो जो सर वो एफए इंटर मैनेजमेंट एफए ये तीन नॉलेज मॉड्यूल का कोई पेपर, वो तो नहीं है, वो तो हमें नहीं देना, एफए इंटर कुछ दिखा होता है, नहीं हमें नॉलेज मॉड्यूल तो वो एफ1 एफ2 एफ3 है ना, टेक्निकल बोर्ड के तो आपको इंटर का सर्टिफिकेट मिल जाता है, इक्विवेलेंट होता है, मतलब एक स्टूडेंट आया था अब तक जिसने कोशिश की थी तो बड़ा खुआर हो गया था, वो हुआ नहीं था, उसको बोल रहे थे आप वहां जाए कोटा जाए पेपर देने, पता नहीं कहाँ भेज रहे थे, कोटे यार तो वो अजीब ही सीन है उसका, वो आसान पता नहीं इन्होंने क्या किया, सेटिंग कुछ अजीब सी उसका, सही है आना हुआ तो मतलब नहीं, बस पेपर सिर्फ लिखना होगा बस, आप कौन सा गाँव, नवाबशाह के हैं मेरे गाँव, अपने शहर है वो भी ददियाल है मेरा नवाबशाह, वहां कहाँ रहते हैं, ब्रिया रोड नाम सुना है, अच्छा हम लोग उधर रहते हैं मेरे साथ मनुआबाद, पुराना नवाबशाह है वहां रहते हैं, पूरा ददियाल है। अच्छा जी कहाँ थे बाबा दादा, अच्छा ये मैंने बता दिया एक तरीका, ठीक है ओके, हाँ जो असल में बीकॉम ही ए लेवल करके आते हैं उनका एडमिशन डायरेक्ट एसएससी में होता है, तो वो फिर एफ वन एफ टू देने के बजाय एफ फोर भी पहले दे सकते हैं, स्किल का पेपर पहले दे सकते हैं, आप चूंकि एफ बी के स्टूडेंट अभी एसएससी के स्टूडेंट है ही नहीं तो आप लोग नहीं दे सकते, एफ डी एफ आई ए आप लोग एफ आई ए कर रहे हैं, एफ डी कर तो आप एसीसी नहीं, अब वो मुझसे पूछ रहे थे कितने साल लेंगे भी एसीसी करने, मैंने बोला लगेंगे 10 साल बेटा, वो डिपेंड करता है फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, 28 साल का कोई ये 28 साल एफआईए फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी है, ठीक है। तो आप जब ये पेपर देंगे ना एफ3 तक फिर आपका ट्रांसफर होगा
एसीसी में आप ट्रांसफर होंगे, एफडी से एसीसी में ट्रांसफर होंगे, तो वहां तीन पेपर की एग्जाम्पशन हो जाएगी, एफ1 एफ3 डायरेक्ट स्किल से देंगे। ये है चक्कर। तो अभी आप मतलब एसीसी के स्टूडेंट ही नहीं है, अभी ये कोई पूछे सामने का डिग्री याद करेंगे, एफडी बोलेंगे तो एसीसी ही, बस और क्या बोलना है हमने, ये थोड़ी बोलेंगे लो मुझे एफआई दे रहा, मुझे क्या दिख रहा है, हां उसको समझ ही नहीं है कि एफआई है, तो वो जो डिपार्टमेंट है हमारा वो वहां निकल जाएंगे, एफआई में क्या करेंगे, उधर निकल जाता है दिमाग, एफआई है तो वो है ना डिपार्टमेंट, हाँ इंटर करके जॉब मिल गई वहाँ पे, वाह भाई बोलेगा क्या बात है, हाँ इंटर करके एफआईए में जॉब मिल गया जबरदस्त यार, वैसे ही तो और तो एसीसीए बोलेंगे। अच्छा अब ये हो गया 7, सपोज लॉस गेन कैलकुलेशन समझ में आ गई। अच्छा इसके बाद है फिर एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट। अच्छा एक्सचेंज में क्या होगा, कुछ और नहीं मतलब पानी मशीन देके नई मशीन खरीदने जैसे आता ना, हाँ ऊपर थोड़े पैसे देना पड़ते हैं, जैसे मल्टीफॉर्म आता है पुराना गद्दा दें नया गद्दा दें, और नीचे छोटा सा लिखा होता है कीमत के फर्क से, बंदा समझता पुराना देके नया मिल जाएगा ना, ऐसे समझाने आता है कि पुराना दे नया गद्दा लें, नीचे छोटा सा लिखा होता है, हाँ बड़ा सा 50% होगा छोटा सा, हाँ वो पागल बना था, वो 50% देके कस्टमर पहुंच जाता है अंदर जाके पता चलता है आपको खत्म हो गया था पहले दिन ही सील हो गया। अच्छा जी ये भी टोपी कराते हैं वो लोग, हाँ 50% वाला पहले दिन ही सील हो गया, ये बचा है बस, हाँ बहुत एक चीज और होती है वो आपने सुना लाइफ टाइम वारंटी, एक लाइफ टाइम वारंटी का भी आता है ना, लाइफ टाइम वारंटी इसको मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम वारंटी जितनी आपकी लाइफ है ना, ऐसा नहीं है वो आपकी लाइफ नहीं होती, प्रोडक्ट की लाइफ होती है, और प्रोडक्ट की लाइफ 5 साल या 10 साल होती है बस, ये होता है, तो बंदा समझता हो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वारंटी है, ओए भाई तो वो लाइफ टाइम प्रोडक्ट की लाइफ होती है, खराब ही नहीं होता सालों चलता है, उसमें भी चूना लगाते हैं लेदर, मैंने ली थी जैकेट लेदर की जैना मार्केट से लाया था, जैना मार्केट है ना लेदर की, अच्छा जैकेट ली मैंने लेदर की, घर आया सुबह पहन के मैं निकल रहा था, नहीं नहीं लेदर था लेदर, घर से निकल रहा था तो गेट की कुंडी होती है ना उसमें जैकेट अटकी मेरी और फट गई, फट गई लेदर, फट गया लेदर, फट गया ना यही नहीं फटता, नहीं फटता भाई, बच्चों दो बुरी कहानी, अब वो कुंडी में अटकी थोड़ी सी जैकेट फट गई, लेदर कभी नहीं फटता भाई, नहीं फटता, तो मैंने चेक किया तो हाथ से ऐसे करके ऐसे ही फटना था, वो गला हुआ लेदर था, तो सीन ये था पुरानी जैकेट थी उसे पॉलिश मार के उसे नई बना के भेज दी, तो मैं गया उसके बाद अगले दिन पर चेंज करा के फिर लेकर आया, वो मैंने रिटर्न करके दूसरी जगह सिली तो वो चली सालों चली, तो ये था वो गला हुआ लेदर था पुरानी बिल्कुल जैकेट, उस पर पॉलिश मार के उसको नया कर दिया था उन्होंने, और मतलब फॉरनर आ जाता मतलब फॉरनर आता ना जैना मार्केट में वो तो लेके निकल जाता, ग्राउंड पे भी कुछ है, बल्कि ग्राउंड पे भी दुकान है लेदर की। अच्छा जी चले अब आ जाए एक्सचेंज पे आते हैं, एक्सचेंज क्या होगा, वही पुरानी मशीन देके आप नई मशीन ले रहे हैं और आपको कुछ कैश देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक्सचेंज में भी लॉस गेन हो सकता है, एक्सचेंज में भी लॉस गेन हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैंने ये तीन कैलकुलेशन आ जाएंगी, पहले कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, नहीं एक्सचेंज आ जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मशीन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर द न्यू मशीन, और फिर उसकी एंट्रीज और टी अकाउंट, तो यहाँ पे डिस्पोजल की जगह एक्सचेंज लिख दीजिएगा, ठीक। अच्छा जब हम ठीक है, अच्छा देखिए जब हम पुरानी मशीन देके नई मशीन लेते हैं तो पुरानी के कुछ पैसे वो माइनस कर लेते हैं ना, अच्छा जितने पैसे वो माइनस करता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेडिंग हो रही है
तो उस पर जो अलाउंस मिलेगा, ठीक। अच्छा अब कह रहे हैं कि एज्यूम इन क्वेश्चन 6 इंस्टेड ऑफ कैश प्रोसीड ऑफ 3000 देयर इज अ ट्रेड इन अलाउंस ऑफ 3000 ऑन रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्टिंग 10000। तो न्यू मशीन कितने की है? 10000 की। पुरानी बम से कितने में ले रहे हैं? 3000 का हमें अलाउंस दे रहा है, तो कैश कितना पे करना होगा? 7000 कैश के पे करना पड़ेगा आपको। न्यू पुरानी मशीन दे रहे हैं, नई मशीन ले रहे हैं, तो पुरानी के कुछ पैसे माइनस कर लेते हैं ना वो, क्योंकि पुरानी में आपसे इतने मिलूंगा, ये माइनस होगा, ये आप मुझे कैश दे दे, तो वो जितनी कीमत लगाएगा पुरानी की उसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। तो मतलब यहाँ हमसे वो पुरानी मशीन 3000 में ले रहा है और नई मशीन हमें 10000 में दे रहा है, तो अब कैश कितना पे करना पड़ेगा हमें? 7000 पे करना पड़ेगा, नई मशीन हमें मिल जाएगी, सही। अच्छा पहले लॉस गेन निकालते हैं उसके बाद कैश पेमेंट। अच्छा लॉस गेन की कैलकुलेशन वही होगी जो डिस्पोजल में, सेम। लॉस गेन की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा डेटा में यूज करना है क्वेश्चन 6 का। 6 में हमने डेटा यूज किया था क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वही डेटा चलेगा। 5 ठीक है। कॉस्ट क्या थी उसमें हमारी? 5000 कॉस्ट है और 2 इयर्स का एक्युमुलेटेड लेंगे 3840, बुक वैल्यू आ गई 2160, ठीक है। अब ट्रेड इन अलाउंस कितना मिल रहा है हमें? 3000। कितने में ले रहा है पुरानी मशीन? 3000 में ले रहे हैं, तो 3000 माइनस करेंगे भाई हमारे पास क्या आ जाएगा? गेन ऑन एक्सचेंज, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर दूं ज्यादा बेहतर है, सही। इसको अच्छा आ गया कंट्रोल एस, हो गई लॉस गेन कैलकुलेशन सिंपल, लिख लें कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ यहाँ एक टर्म चेंज हो गई, ट्रेडिंग अलाउंस आ गया, वो हमने सेल प्रोसीड लिखा था। थ्री थाउजेंड नेगेटिव में ना, 2000 में से 3000 माइनस किया तो आंसर माइनस में आएगा, इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं इसको। मैंने ब्रैकेट में कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा कैश पेमेंट लिख लेते हैं, कैश कितना पे होगा? 7000। गेन हुए, हाँ गेन हुए 840 का। सेकेंड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर द न्यू मशीन। अब ओल्ड मशीन, न्यू मशीन कितने की है, कॉस्ट क्या है? न्यू मशीन की कॉस्ट 10000 है, पुरानी कितने में ले रहे हैं हमसे वो? 3000 की, तो कैश कितना पे करना होगा? इसको लिख लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस, ये हो जाएगा 10000 माइनस 3000, कैश पेमेंट आ जाएगी 7000। चलिए बंद ही करो, करते हैं, सही लग रही है।
अच्छा जी कॉपी कर लिया, कैश पेमेंट हो गई। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लेजर्स बनाने एंट्रीज और टी अकाउंट, ये बना लेते हैं। जिसमें भी पहले टी अकाउंट बनाते हैं तो क्या आप एंट्रीज बना लेते हैं, अब तो समझ में आ गया ना, तो डायरेक्ट एंट्रीज बनाते हैं। अच्छा वही डिस्पोजल अकाउंट बनेगा इसमें भी, ठीक। अच्छा पहले एंट्री क्या होगी, पुरानी मशीन हमारी जा रही है तो मशीन क्रेडिट होगी और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगी। मैंने कंबाइन वाली बनाई है, इसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ओल्ड मशीन आपकी क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ। सेकेंड अब एक्युमुले वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज होगा डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। अच्छा थर्ड एंट्री क्या होगी, कैश आ रहा है, कैश हो जाएगा डेबिट, बल्कि इसमें तो जा रहे हैं, हाँ ठीक है, कैश तो होगा क्रेडिट और मशीन आ रही है, मशीन हो जाएगी डेबिट। अच्छा न्यू मशीन को हम करते हैं डेबिट, कैश को करते हैं। अच्छा एक मिनट रुक, मैंने दो तरह से बनाई है समझाने के लिए आपको बताता हूँ। इसमें देखिए दो तरह से ये एंट्रीज बन सकती हैं। न्यू मशीन कितने की है पहले यहाँ समझा देता हूँ, फिर ये बना। न्यू मशीन है 10,000 की ना, तो हम लिखेंगे मशीन न्यू आ जाएगी ना आपकी, न्यू मशीन है कितने की, 10,000 से डेबिट करें, तो 10,000 से डेबिट करते, कैश को क्रेडिट कितने से करें, 7,000 पे कर रहे हैं ना, बाकी 3,000 कहाँ जाएगा, 3,000 कहाँ जाएगा, तो क्यों बोला देखे। अच्छा एंट्री ये बनेगी, एंट्री तो ये बनेगी, ठीक है अब समझ में नहीं आई, ठीक है अब समझाता हूँ। देखिए जो पुरानी न्यू मशीन है हम दो तरह से खरीद रहे हैं ना, 7,000 कैश दे रहे हैं, 3,000 की पुरानी मशीन है, तो पहले तो हम वो 7,000 से रिकॉर्ड कर लें कि मशीन हमारी है न्यू, डेबिट करते हैं इसको कितने से, 7,000 से डेबिट और कैश 7,000 से हो गया, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पुरानी मशीन हम डिस्पोज ना करते, सेल कर रहे होते, एक्सचेंज ना करते सेल करते, तो क्या होता, कैश डेबिट होता, मशीन नहीं डिस्पोजल आता ना, डिस्पोजल क्रेडिट हो जाता कितने से, 3,000। ये हमने 3,000 की पुरानी मशीन बेची, 3,000 आ गए, 3,000 कैश तो आए नहीं ना, अभी उधर ही आ रहा ना, अगर हम डिस्पोज करते तो ये एंट्री होती ना, कैश डेबिट 3,000 डिस्पोजल क्रेडिट। अब क्या हो रहा है, हमारे पास कैश नहीं आ रहा बल्कि 3,000 की नई मशीन आ रही है ना, कैश की जगह हमें क्या मिलती है, नई मशीन, तो हम न्यू मशीन को यहाँ डेबिट कर दें 3,000 से, क्या वो कैश की जगह न्यू मशीन मिल गई ना, न्यू मशीन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया, सही है। हाँ अब इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये ऊपर वाली बन गई, मशीन डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 7,000, डिस्पोजल क्रेडिट 3,000, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ और करके, और ये बना सकते, ठीक है ये दो बना लें, ये दोनों भी लिख लेंगे और वो अलग वाले भी लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे करना है। तो पहले ये वाली एंट्रीज कॉपी कर लें दो, इसके बाद फिर वो बनाते हैं। अब ये लिखें बल्कि ये भी लिख लें अलग वाली पे कमाइन वाली और करके लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गई न्यू मशीन 7,000 की कैश क्रेडिट और ये न्यू मशीन डेबिट 3,000 और डिस्पोजल क्रेडिट। तो ये कंबाइन को देखें ना, मशीन कितने से डेबिट हुई, 7 और 7 10 से डेबिट हो रहे हैं ना, न्यू मशीन डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो 10,000 एक्सचेंज के बाद।
अच्छा ये मैंने अलग अलग एंट्रीज बना दी ना, कैश पेमेंट की एंट्री हो गई और ये ट्रेड इन अलाउंस की एंट्री हो गया। ये कैश पेमेंट क्या और ट्रेड इन अलाउंस की, फिर इसी को और करके कंबाइन एंट्री पे लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों तरह से पूछ सकता है। अब क्रिकेट खेलते हैं, कौन खेलता है? और अच्छा आपको पता है टीपीएल होगा, आप टीम बना रहे? हाँ तो आप लोग बन गए टीम आपकी? नहीं अभी नहीं बनी है, असल में वो इसका भी फोन आया था कैप्टन का मेरी टीम पे, मुझे याद आ गया तो बता दे के खेलना होता। हाँ उसमें ये से कैप्टन से बात करके ना बताता हूँ, पुराने स्टूडेंट है अच्छा खेलता है या मार फिर बुलाते हैं। तो ठीक है ये होगा दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर सर्दियों में रखते हैं, दिसंबर तक ही होगा, नवंबर तो चल रहा है, दिसंबर जनवरी के स्टार्ट है चाहिए क्योंकि ग्राउंड में धूप होती है ना तो गर्मी में तो खेल नहीं सकता पूरा दिन, इसलिए सर्दी में रखते हैं ताकि आराम से खेल लें धूप में। अच्छा ये एंट्री कॉपी हो गई। अच्छा इसके बाद और करके अब ये वाली एंट्री लिख लें, कंबाइन वाली ये वाली लिख ली, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट डिस्पोजल क्रेडिट। ठीक अब और करके ये लिख लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये एंट्री बन जाएगी आप, क्योंकि एग्जाम में वो दोनों तरह से पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ लेता है कंबाइन भी पूछता है। अच्छा ऑन कर लें, बंद हो गया ऑन नहीं करना, हफ्स हो गया वो वाला कर लेते हैं पीछे। अच्छा कॉपी हो गया। अच्छा इसके बाद फिर वो एक लॉस गेन की एंट्री हो जाएगी। हाँ ये कॉपी कर लें, कंबाइन वाली एंट्री। अच्छा लॉस गेन की एंट्री वही होगी, फिर डिस्पोजल डेबिट और इनकम स्टेटमेंट गेन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक इसके बाद हाँ ऊपर वाली करनी है और करके नहीं, कंबाइन हाँ सेपरेट आपने वहां से लिख ली पावर पॉइंट से, अब ये कंबाइन वाली यहाँ से लिख लें एक्सेल को देख कर। हाँ लॉस गेन की फिर बना लेंगे इसके बाद, डिस्पोजल डेबिट 3000 नहीं 840 और गेन क्रेडिट 840 वो भी लिख लें, फिर डिस्पोजल डेबिट गेन क्रेडिट 840 से। कॉपी कर लिया ठीक है, उसके टी अकाउंट्स बना ले, टी अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा इसमें भी हम कंबाइन कर सकते हैं इसको, वो भी लिख पाता हूँ कंबाइन एंट्री, ये सब कंबाइन होगी एक बन जाएगी, वो भी बना लेते हैं, सबको कंबाइन करके डिस्पोजल खत्म हो जाएगा। लेकिन सबको कंबाइन करेंगे तो अब एंट्री क्या बनेगी, न्यू मशीन आ रही है 10,000 की डेबिट हो गई, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, तो पुरानी मशीन जा रही है 6,000 की, 6,000 की कॉस्ट 6,000 है ना मशीन की। अच्छा कैश कितना पे किया, 7,000 कैश क्रेडिट हो गया और गेन हुआ था 840 का क्रेडिट। ये इसकी एक कंबाइन एंट्री बन जाती है विदाउट डिस्पोजल, तो ये भी लिख लें एग्जाम में पूछ लेता कंबाइन भी बना सही, हर तरह से मैंने आपको बता दिया, न्यू मशीन डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट कैश क्रेडिट गेन क्रेडिट।
पीछे वाला एक बोल वही सांस बंद है यार वही बंद है आगे वाला दिया है आगे वाला देखा आगे वही पीछे वाला स्टार्ट कर दिया उसको बोल रहा हूँ वही क्लास में बैठे हैं चलिए कॉपी कर लिया यस सर खराब है ठीक चलिए आप ब्रेक ले लेते हैं पहले ब्रेक के बाद फिर इसके टी अकाउंट्स बना लेंगे सही तो अभी 30 मिनट्स का ब्रेक है ब्रेक के बाद टी अकाउंट्स बना लेंगे जी हाँ थी हमने इसकी एंट्रीज बना ली थी ना आप टी अकाउंट बना लेते हैं चेंज पहले इसका बैलेंस लिख लेते हैं मशीन अकाउंट का बैलेंस 6000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आएगा 3840 इसके बाद डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे अब एंट्रीज पोस्ट करते हैं पहली एंट्री क्या है डिस्पोजल डेबिट है मशीन क्रेडिट हाँ ओल्ड मशीन क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया सेकेंड एंट्री अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट थर्ड एंट्री न्यू मशीन डेबिट अच्छा पहले मैंने 3 वाली बनाई थी और डिस्पोजल क्रेडिट 3000 सेकंड बना लेते न्यू मशीन डेबिट 7000 कैश क्रेडिट 7000 अकाउंट क्लोज करेंगे मशीन अकाउंट क्लोज हो गया और उसका बैलेंस आ जाएगा 10000 इसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट क्लोज करेंगे ये डिफरेंस आ जाएगा आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल ठीक है ये कॉपी कर लिया बस मशीन अकाउंट है ना दोनों आ गए एक मशीन अकाउंट है नई पुरानी सब उसी में आ जाएंगे हाँ ये क्लोज नहीं होगा वही बी सी डी हो जाएगा ये पुरानी मशीन है ना उसको दिखाएंगे ना पुरानी मशीन थी फिर ये डिस्पोज हो गई हाँ लिख लें मर्जी असल में स्पेस नहीं थी मैंने इसलिए लिखा नहीं हाँ आप लिख लें अपना सीडी तो फिर उसका बीडी भी आ जाएगा हाँ 9 फिर आप लोग खुद कर लें उसी तरह 7 की तरह कॉपी करके 9 कंप्लीट करें 7 की तरह सॉल्व करें मिसिंग फिगर्स
कल भी मैं निकला था, इस वीक में तीन है। नहीं एमए टू की दो ही होंगी, एमए टू की दो ही हैं। थर्सडे ऑफ है, फ्राइडे सैटरडे मैं निकल आ जाए। क्या क्यों मैच देखना था? हाँ थोड़ा तो सुबह वैसे सही रहता है, सुबह आके घर चले जाए। कभी कभी हाँ डर लगता है दूर जाते हुए। अच्छा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हाँ नहीं अब ये ब्रैकेट वाले गेन है, बगैर ब्रैकेट वाले लॉस। तो आपके हिसाब से सही है, ये हिसाब से सही है वैसे तो। इससे ये हो जाएगा कि वो रिवर्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, प्लस माइनस जो करते हैं ना वो इजी हो जाता है। फर्स्ट में नेटबुक वैल्यू क्या चीज पूछ रही है? नेटबुक वैल्यू नहीं सर, कॉस्ट ओल्ड। अच्छा ओल्ड की कॉस्ट, ठीक है। पहले तो आप निकालें बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है?
कितने आ रही है आपके? कितनी है? 1 लाख. देखिए इस पे गेन हुआ था 40 का, ट्रेडिंग अलाउंस था 1 लाख का, तो गेन है, ट्रेडिंग अलाउंस है, तो 60,000 इसकी बुक वैल्यू होगी. देखिए हाँ बता रहा हूँ ना, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हम इसी को यूज करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं ट्रेडिंग अलाउंस. बता देता हूँ ट्रेडिंग अलाउंस ऐसे समझा दो, कॉन्सेप्ट है. ठीक है, गेन हो रहा है, गेन है ना. गेन कब होता है? जब ट्रेडिंग अलाउंस ज्यादा हो, बुक वैल्यू कम हो, तो माइनस कर दें. 60,000 बुक वैल्यू आ जाएगी. 1 लाख का ट्रेडिंग अलाउंस मिलने पे 40 का गेन हो रहा है, तो मतलब बुक वैल्यू आपकी क्या थी? 60,000. ठीक है, अच्छा बुक वैल्यू 60,000 है, बुक वैल्यू में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर लें 40,000, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख. आ रही है? नहीं आ रही. अब इस तरह समझा देता हूं आपको कैलकुलेशन. ठीक है, इस तरह कर लेते हैं. सर एक्यूमुलेटेड कितना है? ठीक है, अच्छा इसके बाद बुक वैल्यू हमें नहीं मालूम, फाइंड करनी है. ट्रेडिंग अलाउंस कितना है? 1 लाख. सही, और गेन कितना हुआ? कुछ माइनस में रखते हैं. अच्छा रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो 40 में से ये 1 लाख प्लस होंगे ना, रिवर्स कैलकुलेशन होगी. रिवर्स में क्या होगा? 40,000 में 1 लाख ऐड होंगे. ये माइनस 40 है ना, माइनस 40 है, माइनस 40 में 1 लाख ऐड करेंगे तो 60,000 आ जाएगी नेट बुक वैल्यू. अब नेट बुक वैल्यू में ये 40,000 ऐड होंगे रिवर्स में जाते हुए, कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख. सो ये कि रिवर्स वर्किंग आसान हो गया, गेन को ब्रैकेट में रखने से रिवर्स वर्किंग इजी हो जाएगी. गेन ब्रैकेट में तो उसको माइनस में, हां माइनस में लिखेंगे. ब्रैकेट का मतलब माइनस. हां वो असल में इस तरह कर ले तो ये, हां ये बेहतर है. इसको आप गेन को ब्रैकेट में रखें, लॉस को बगैर ब्रैकेट, तो रिवर्स कैलकुलेशन करना आसान होगी. कैश पेमेंट है ना, न्यू एसेट कितने का है? ट्रेडिंग अलाउंस कितना मिला? कैश कितना देना पड़ेगा? 1 लाख. किसकी बात कर रही है? सेकंड में क्या चीज, क्या चीज? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट. देखिए कैश पेमेंट कितनी हो रही है? 30,000. अच्छा पुराने एसेट कितने में किया हमारा? 9 का, तो ऐड कर लें. कैश कितना पे कर रहे हैं? 30,000 ना, पुराने एसेट कितने में? 29 ऐड हो जाएंगे, तो न्यू की कॉस्ट आ गई 59,000. और सर एक्चुअली डेफिनेशन कितना हुआ? अब बुक वैल्यू कितनी है? 20. कॉस्ट कितनी थी? 60. तो 60 माइनस 20 40 आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेफिनेशन. किसमें? सेकंड में लॉस गेन, लॉस गेन निकालना है ना. हाँ देखिए बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? 20 है. ट्रेड एंड अलाउंस कितना है? ज्यादा में जा रही है ना, 9,000 का गेन हो जाएगा. 9,000 का गेन. कैश कितना पे कर रहे हैं? 30. पुराना एसेट कितने में गया? 29. तो 59 का न्यू एसेट हो जाएगा. 59. थर्ड वाले की नेट बुक वैल्यू 60,000 आई.
थर्ड वाले की नेटबुक वैल्यू 16 आएगी, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट कितना होगा? 7000 है ना? 7000 माइनस में आएगा। नहीं नहीं सर, 7000 होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में 7000 होगा, बस माइनस क्यों होगा? पानी के ग्लास से रखा मजा नहीं है भाई। हां चलो सही है, माइनस में प्रश्न और हमारा काम ₹21,600। शायद पोस्ट में से 3,600 होगा। हाँ18,600 जी कंप्लीट हो गया, ठीक है टैली कर लेते हैं। हाँ आंसर टैली करते हैं। कौन देखें? ठीक है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक हो गया फाइव जी। सही ठीक हो गया। चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा 7, 8, 9 ये हो गए हमारे। अच्छा इसके बाद अब ये क्वेश्चन है 10, 11, 12, 13 सब में एक नया पॉइंट है, ठीक है तो इसको भी हम जरा होल्ड पे रखते हैं इनको। इसमें हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है जो आपको समझाना है, ठीक है तो जरा इन्हीं की अभी प्रैक्टिस कर लें जो हमने पढ़ा है ना।
अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये एमसीक्यूज हैं 13 के बाद, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, तो अब ये एमसीक्यूज हैं, ये थोड़े सॉल्व कर लेते पहले, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, फिर कुछ नया पढ़ेंगे इसमें, सही है। तो ये आप लोग स्टार्ट करें एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 से। लेकिन आंसर 12,000 नहीं है, आंसर 12,000 नहीं है, वो तो डेप्रिसिएशन 12,000 आ रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़े, पूछ क्या रहा है, जिनका आंसर 12,000 आ रहा है रिक्वायरमेंट गौर से पढ़े, बुक वैल्यू पूछ रहा है वो, बुक वैल्यू पूछ रहा है वो भी सेकंड ईयर के एंड पे। हाँ तो 12 और 12 24 हो जाएंगे एक्यूमुलेटेड, 60 - 24 36 आएगी सेकंड ईयर की बुक वैल्यू, ठीक है। ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप लोग पेपर में करते हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं आपके। हाँ तो ये पेपर होते तो आपके 2 नंबर कट जाते, आपने 12,000 पे टिक करना था, नंबर गलत। हाँ तो इसे पूरा पढ़ा करें, सुकून से रिक्वायरमेंट समझा करें, पूछ क्या रहे, सही है, ठीक है। नेक्स्ट अभी करते जाए, ये आपने 13 तक सॉल्व करने, 13 तक ठीक है। अच्छा आपके पास थोड़ा सा ऑप्शन वो लाइट होगा, हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है थोड़ा सा एक लाइट होगा, जो राइट वाला ऑप्शन है ना, प्रिंट थोड़ा लाइट होगा उसका। हाँ क्योंकि इसलिए रेड किया हुआ ना मैंने इसको, रेड कलर का प्रिंट आउट लाइट आता है, ब्लैक कलर का टार्क आता है। मंथली मंथ प्रोपोर्शनेट मंथली, जितने मंथ, हाँ वो फुल ईयर होता है, प्रोपोर्शनेट जितने मंथ यूज करेंगे उतने मंथ का चार्ज होगा। तीसरे का 900 आ रहा है, 900 ठीक है, ठीक है 900। सेकंड तीसरे का 900 आएगा, तीसरे का सही है, 1100 क्वेश्चन का आंसर है, अब उसका आंसर है, डायरेक्ट आंसर है उसमें, ऑप्शन नहीं है। हाँ 4 में डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ऑप्शन नहीं है। अच्छा तीसरे का सी आएगा 900, इसमें आप लेंगे जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सर, तो 900 बन जाएगा। हाँ किसका, हाँ 3600। हाँ उसका आंसर है 1100 आना चाहिए। स्क्रैप वैल्यू का मतलब रेजिडुअल वैल्यू, Thank you.
फाइव का कितना 80 सही है। छठे में यही लिखा हुआ कि स्क्रैप वैल्यू वाले साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, लेकिन वो शुरू के ही पहले दिन में एक मिनट हाँ फिर नहीं होगी, स्टार्ट में ही है तो नहीं करेंगे। मैं बोल रहा था जब एक्टिविटी करना इनके एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 4 है ना, स्टार्ट में भेजियो तो नहीं करेंगे, 3 साल का लेंगे हम। इसमें 3 साल आएगा, बिगनिंग का मतलब स्टार्ट में हमने जनवरी में, तो 5 हो गया। 5 फाइव में आपने वो पहले तो डेप्रिसिएशन निकालना है, कितने साल का ड्यूरिंग ईयर 4 है ना। अच्छा तो इसमें आप निकालेंगे 3 साल का डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग से, पहले कैलकुलेट कर लें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। इसमें क्या था फुल ईयर पॉलिसी ना, फुल ईयर इन द ईयर ऑफ चार्ट नॉन इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक है। फोर्थ ईयर में सेल कर रहे हैं, फोर्थ ईयर का चार्ट नहीं होगा, 3 साल का निकालें रिड्यूसिंग से। ईयर 1 का तो आएगा 2700, ठीक है। ईयर 2 1890 कुछ ऐसे ही आएगा, मार्क कर लें। 1 का आ जाएगा 2700, और 1890 आएगा, ठीक है। और फोर थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर आएगा, अब 2 साल का एक्यूमुलेट कर लेंगे ना, 9000 माइनस 2 साल का एक्यूमुलेट करके 26,700 और 1890 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड ईयर का आ जाएगा 1323। हाँ अब लॉस गेन निकाल लें, तो कॉस्ट कितनी है 9000 और तीनों साल का डेप्रिसिएशन ऐड कर लें, एक्यूमुलेट कितना 5913 एक्यूमुलेटेड हो गया, तो 3087 आ गई नेट बुक वैल्यू। आप सेल कितने में कर रहे हैं, 3000 माइनस करते हैं तो 87 लॉस या गेन, लॉस हो जाएगा क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल प्रोसीड कम है, तो 87 का लॉस। सेवन में जनवरी है, पहले साल का कितना आएगा 25 माइनस 7 कितने बचे 18 डिवाइड बाय 3000 आएगा। स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, 9000 हो गए, 9000 हो गया। अब 25,000 माइनस 9 बुक वैल्यू आ गई 16, 1500 गेन हो गया।
लॉस ऑफ 28.80 किसमें 6 हां 28 पॉइंट बी आंसर होगा इसका ठीक है सर 8 में भी नहीं बोला है कि वो मैंने कैरमेल वाले साल में ले लिए हैं कौन हाँ इसमें लेंगे बोला नहीं तो नहीं हाँ नहीं देखिए क्या लिखा है द मशीन वाज सोल्ड इन दिसंबर है ना द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर ईयर एंड हो रहा है पूरे साल का आ जाएगा ठीक है दिसंबर है ना ईयर एंड हो गया तो पूरे साल का लगेगा अच्छा पहले साल में क्या करेंगे जुलाई वाले 2009 में कितना ले रहे हैं नहीं इसमें कुछ भी नहीं बोला था देखें ना प्रोपोर्शनेट बोला है ना फुल ईयर तो जब कुछ भी ना हो तो प्रोपोर्शनेट है तो पहले साल 2009 सिक्स मंथ फिर 2 का 1 ईयर फुल ईयर 3 का फुल ईयर 4 का फुल ईयर जब कुछ भी नहीं कहेगा तो प्रोपोर्शनेट लेते हैं जी माइनस करना है सेल प्रोसीड मेथड ये सेल कितने में हो रहे तो 12 था तो ट्रांसपोर्टेशन ना 18,000 देखिए 600 हम सेल कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें 1200 कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा हमारी जेब में कितने आएंगे माइनस करके आ जाएंगे ना 7400 ही आएंगे 7400 लेंगे वहां पे 9 में रिक्वायरमेंट नहीं डी आंसर आएगा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है ना तो वही डिस्पोजल वाली वर्किंग करें इसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा रिवर्स वर्किंग होगी लेकिन सोल्ड कितने में किया 9000 हाँ ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना 9000 में सोल्ड करने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 1500 का तो दोनों का डिफरेंस माइनस कर देंगे नहीं एक मिनट हाँ तो आपके पास सेल प्रोसीड आ जाए वो बुक वैल्यू आ जाएगी ना उसके बाद कॉस्ट से माइनस करेंगे तो एक्युमुलेटेड आ जाएगा नेट बुक वैल्यू 22,500 आएगी 1500 का प्रॉफिट है ना अच्छा 7 वाला कर 7 में आंसर क्या कह रहे नेट बुक वैल्यू अच्छा इसमें आप डेप्रिसिएशन कितने साल के ले रहे हैं 3 6 9 2 साल का लेंगे
तीन साल का आएगा ना, 2001 2002 2003 तक का, लेकिन 3, 6, 9 और 16,000 इसकी बुक वैल्यू आएगी। 3 साल का निकाले ना, 2001 में बाय किया, 2004 के जनवरी में सेल कर रहे हैं, हाँ माइनस होगी। स्ट्रेट लाइन यूज होगा इसमें, क्योंकि परसेंटेज नहीं है ना, कोई मेथड बता रहे, तो स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। 25 - 7/6 3,000 आ जाएगा पर ईयर, तो 3 साल का 9,000 हो गया। अब 25 में से 9,000 माइनस करें, 16,000 आ गई नेट बुक वैल्यू। अब सेल कितने में कर रहे हैं, 17,500 माइनस करें, -1,500 गेन। सर अभी इससे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें पहले, तो बताएं कितना है एनुअल डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है, अच्छा इसमें लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड ना, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है माइनस करें सर, 25 - 7/6 3,000 पर ईयर आएगी एनुअल। कितने साल का चार्ज होगा, देखिए 2001 में बाय की हमने, और सेल कब कर रहे हैं, जनवरी 2004 में, तो 4 का तो नहीं लेंगे ना, तो 1, 2, 3 तीन साल, तो इंटू 3 कर देंगे तो 9,000 हो जाएगा 3 ईयर का एक्यूमुलेट। 3 साल के लिए ऐड कर लेना, मतलब ऐड कर ले, 3 + 3 + 3 9 हो गया, भी बात आ गई। लॉस गेन के लिए क्या करेंगे, 25,000 कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड हुआ 9,000 माइनस करते हैं, बुक वैल्यू आ गई 16,000। सेल कितने में कर रहे हैं, 17,500 माइनस करेंगे, -1,500 आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब गेन, सही है, 1,500 का गेन। चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक सॉल्व करेंगे, 14 से फिर वो चेंज आ जाएगा। बल्कि 14 तक करने हैं, 14 तक करें, 15 में एक कुछ नया है। सर उसी साल में सोल्ड हुआ, लेकिन सितंबर के महीने में हुआ, तो एग्रीड होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर बताएं, बता दो कल मेरा ठीक है। पॉलिसी क्या है, क्योंकि वो सितंबर में ईयर एंड से पहले सेल हो गया ना, तो लास्ट ईयर नहीं लेंगे इसमें। हाँ मैंने परसेंटेज वाले तो लिखा था, फॉर्मूला दो थे ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। परसेंटेज होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइफ होगी तो डिवाइड कर देंगे, तो स्ट्रेट लाइन में दोनों आंसर। 11 का डेटा इनकम्प्लीट है, हाँ कितने साल यूज किया ना, एक्यूमुलेटेड निकाल नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं निकले। ठीक है चले, 14 तक सॉल्व कर रहे हैं आपको, हाँ तो जल्दी छोड़िए, टाइम है आपको, करें साहब। नॉर्मली क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ मैं, होमवर्क आपको कर देंगे, क्लास में करवा रहा हूँ होमवर्क, हाँ करवाना पड़ेगा ना, हाँ इसलिए करवा रहा हूँ, करें साहब। 1600 लॉस आ किसमें, 12 का आंसर, 12 का आंसर सही है। अच्छा 8 वाले में एक नया पॉइंट है, इसको करें, बताता हूँ। अब इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है एसेट को पहुंचाने के लिए, इसका क्या करेंगे, नहीं ये वो नहीं है, खरीदते वक्त पे नहीं कर रहे हैं, ये बेचते वक्त पे कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सेल हमने कितने में किए, 18,600, लेकिन 1200 हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है, तो जेब में कितने पैसे आएंगे हमारे,
माइनस हो जाएंगे ना। हाँ तो इसमें आप क्या करेंगे, ट्रेड इन जो, हाँ 18,600 में से 1200 माइनस कर देंगे तो आपके पास सेल प्रोसीड आएगी 17,400 लेंगे। ये करना है आपको, ठीक है? फर्स्ट ईयर वाले तो है यार, सेकंड ईयर, हाँ सॉरी सेकंड ईयर, वो भी नहीं पढ़ गया है, ठीक। इसमें मुझे नहीं पता चला कौन है, एक बार ना सर कॉस माइनस कर देंगे कैसे बचे 24,000 बीटा ऑलरेडी कुछ नहीं। स्ट्रेट लाइन के दो फॉर्मूले थे लिखे आपने, बताता लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास के फॉर्मूले लिखे आपने भी नहीं, फॉर्म पहले वो फॉर्मूला देखा है पहले इनको, वो स्ट्रेट लाइन वाला बताता हूँ, समझ आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में दो फॉर्मूले यूज होते हैं, फॉर्मूले देखें कल जो लिखवाया था आपने, असल में लिखा नहीं है ना। हाँ इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन में दो तरह से निकाल सकते हैं, अगर आप परसेंटेज दी हो तो स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज भी आ सकती है। अच्छा नॉर्मली जब स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज देते हैं तो स्क्वायर वैल्यू मेंशन नहीं करता अक्सर, परसेंट डायरेक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सा वाला? आठ वाला। इसमें तो पहले आप डेप्रिसिएशन निकालें, कितना कितना निकाला पहले? 2001 है। अच्छा इसमें 2001 है, फुल ईयर लेंगे या मंथ में लेंगे? क्यों बोला? कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा इसमें कोई पॉलिसी नहीं है? नहीं, जब कोई पॉलिसी नहीं होगी तो प्रोपोर्शनेट लेंगे। हाँ तो जुलाई से दिसंबर पहले साल तो आएगा 6 मंथ का, पहले साल का कितना आ रहा है ये बताएं, क्योंकि 2001 इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 2000 आ गया, ठीक है। अच्छा के बाद 2002 तो 4000 हो जाएगा, ठीक है। 2003 फिर 4000 हो गया, और 2004 4000 और ले लेंगे, ठीक। चारों को ऐड कर लेते हैं, एक्युमुलेटेड 4, 8, 12, 14,000 आ गया, ठीक। अब लॉस गेन निकालते हैं, कॉस्ट कितनी है? 35,000 माइनस करेंगे एक्युमुलेटेड 14, कितनी है? 21,000। सोल्ड हो रही है 18,600 में, लेकिन 1200 ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ रहा है तो माइनस हो जाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेंगे 17,400, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 3600 आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब लॉस हो गया। तो एक चीज याद रखें, जहां पे पॉलिसी मेंशन नहीं होगी वहां प्रोपोर्शनेट लेंगे, हम एस्टीमेट ही होगी, नहीं वो नहीं रहता है। इसमें कहीं भी हो सकता है, उसका मेथड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो पॉलिसी से ताल्लुक है। मेथड से कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड से सिर्फ इतना होता है कि आपका एनुअल डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है बस, और उससे कोई भी रूल चेंज नहीं होगा। किसमें 13, 14 का आंसर बताओ, 13, 14 में डी आएंगे दोनों के, दोनों का डी आएगा, डी डी दोनों में डी आ रहा है। अब ये किया था आपने, सही है, एक पार्ट किया भी, हाँ ठीक है, डी आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट करें इसका, सोच के आ रहे हैं, सॉल्व करें, 8 पर ही पहुंचे हैं, 14 तक करने, उसके बाद छुट्टी मिलेगी, छुट्टी बंद है आपके पे, डी आएगा, 13, 14 दोनों के डी आंसर, डी डी। अब उसपे न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना है, 15 अभी नहीं होगा जो मैं करवाऊंगा, इसमें प्रोटी अकाउंट्स बनेंगे लेंदी है। ट्वेल्व का भी है, सी आ रहा है, लॉस प्रॉफिट नहीं है सर, स्क्रैप वैल्यू वाले साल में
नहीं लॉस गेन में गलती कर रहे हैं हम। सेल प्रोसीड कितनी, बुक वैल्यू कितनी है? ठीक, सेल कितने में हुआ? तो गेन हो गया ना, ये तो बुक वैल्यू कम आ रही है। 6400 तो गेन हो जाएगा ना, बताता हूँ। 11 का ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें डेटा इनकम्प्लीट है, कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या डेप्रिसिएशन आपने क्या निकाला है? 2001, 2003, 3 साल। इसलिए तो सवाल देता था कि एग्जाम में ना फंसे। 11 का ए आंसर होगा, क्योंकि इसमें डेटा इनकम्प्लीट है, आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आपने 8000 का 20% लेंगे ना, 1600 एक साल का सोल्ड हो रहा है ना, ये तो 24000 का 20%, और ये आगे एक साल का ये बनेगा 1 2 3 साल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 14000 1400 आ गया। 24000 माइनस 14000 नहीं ना। देखिए पॉलिसी क्या है, आप यहाँ बताते हैं पॉलिसी दी हुई है ना। देखिए कंपनीज पॉलिसी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% ऑन स्ट्रेट लाइन ऑन एसेट्स हेल्ड एट द ईयर। इसका मतलब क्या है? एसेट जो ईयर एंड पे जो एसेट होंगे आपके पास उन पे लगे, और ये हमने ईयर एंड से पहले सितंबर में भेज दिया, इसलिए इस पे लास्ट ईयर का 4 का चार्ज नहीं होगा। आपने वो उसमें 8 मंथ्स ले लिए होंगे ना, तो ये पॉलिसी 12 का सी आएगा। आपने भी गलती की है। डेप्रिसिएशन कितने साल का निकाला है? हाँ, पहले साल का कितना है? बंद करें इसको। क्या हो गया शादी? लास्ट वर्ड देखिए, 24000 कॉस्ट है, 20% 48 आ गया। अब कितने साल का लेंगे? 3 साल, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, 14400। ठीक है, अब आप लेके हैं 24000 माइनस 14400 आगे बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू 9600, सेल कितने में हो रहा है? 8000, कम में सेल हो रहा है ना, तो लॉस। हाँ, कम में सेल हो रहा है, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं है। 1600 लॉस। सोलह हजार किसमें? 12 की बात कर रहे हैं। हाँ, 16000 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया आपने इसमें? एनुअल डेप्रिसिएशन बताएं क्या रहे? ठीक है, कितने साल तक चार्ज करेंगे? कितने साल का चार्ज होगा? 2001, 2002, 2003। बाय कब की है, परचेज कब की है? तो 2001 हो गया, 2002, 2003, और सेल कब कर रहे हैं? 2004 में कर रहे हैं ना। ये लिखा है पहली लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 2004 का जो डेप्रिसिएशन है वो नहीं लेंगे आप। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ नीचे क्या लिखा है देखें, ऑन एसेट्स हेल्ड एट द ईयर एंड। तो इसका मतलब ईयर एंड पे जो एसेट्स होंगे उन पे लगेगा, और ये ईयर एंड से पहले सितंबर में ही सेल हो गया, तो इस पे नहीं लगेगा। तो 3 साल का लेंगे, 3 कर दें। हाँ, सही, ओके। हाँ, 24000 में से 14400 माइनस हो जाएंगे, बुक वैल्यू आ गई 9600। ठीक है, अब इसमें से सेल प्रोसीड कितनी है? 8000 माइनस करें 1600। हाँ, चल रहा है, सब उसी पे अटक, एक एक करके सब अटक रही है। बस उसमें एक पॉइंट था कि ऑन एसेट हेल्ड,
ये डेप्रिसिएशन कितना लेना है? पहली बार आएगा मैंने कर लिया। हां आपको बता दूं ये बस, बाकी इसमें नया कुछ नहीं था। जी यासर क्वेश्चन करने छुट्टी नहीं मिलेगी मैं बता रहा हूँ। 13 का टी आ रहा है ठीक है, 14 का भी टी आएगा। 2004 इसमें पॉलिसी क्या देख लेते हैं। अच्छा इसमें कोई पॉलिसी नहीं है ना, हाँ परसेंटेज है ना, हाँ नहीं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलिसी फॉर द ईयर में मंथ्स को भी फॉर द ईयर ही बोलेगा, अगर वो प्रोपोर्शनेट कह देगा और फॉर द ईयर कहता है तो आपने मंथ्स का ही निकाला। अब हम डेट देख लेते हैं, इसमें मेंशन कुछ भी नहीं है ना। अच्छा 1 नवंबर है, ईयर एंड कब हो रहा है इसका? ईयर एंड कब हो रहा है? अक्टूबर में, तो नवंबर से लेकर अक्टूबर तक पूरा एक साल बन रहा है। नवंबर 4 से अक्टूबर 5 तक कितने मंथ बने? क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर आता है ना, ये नवंबर 4 अक्टूबर 5 पूरा साल हो गया, तो पूरे साल का साथ। अगर यहाँ अक्टूबर की जगह कोई और मंथ होता तो फिर उतने मंथ का निकलता, क्योंकि इससे पॉलिसी मेंशन नहीं है ना। अगर वैसे भी निकालेंगे नवंबर से दिसंबर तक 2 महीने और फिर अगले साल अक्टूबर तक, तो आंसर वैसे ही है, नहीं चेंज आएगा, क्योंकि ये है आपका रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग में चेंज हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन होता तो सेम रहता, क्योंकि रिड्यूसिंग में क्या होगा देखें, पहले अगर आप 2 महीने का निकालते हैं, न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है? 4,000 और 4,000 15,000 16,000 बनेगी ना, 11,570 प्लस 4,400 16,000 आ जाए। अगर आप निकाले इस तरह से 20% देते हैं, ये बनता है पूरे साल का 3,200। अच्छा आप 2 महीने और 10 महीने करके लें, अगर 16,000 का 20% आ गया, ये मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, आ गया 2 महीने का। वैसे अच्छा हम क्या करेंगे फिर, अब 16,000 में से माइनस होगा 533, फिर निकलेगा इसका 20%, ये साल का हो गया 10 महीने, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 करेंगे 25। अच्छा इसका ऐड करें 533 चेंज हो गया ना, चेंज हो गया डायरेक्ट। अगर 16,000 का 20% लें फॉर द ईयर टू 30%, तो अक्टूबर में नवंबर में एक्सचेंज कर रहे थे, अक्टूबर में एंड हो रहे तो साल पूरा बन गया, तो पूरे साल। अगर ये अक्टूबर से पहले कोई मंथ देता जुलाई देता जैसे, तो फिर उतने मंथ काउंट करते फिर। 30 जून देता जैसे, तो फिर आपके कितने 6 और 2 8 महीने हो जाते फिर। एक साथ ही नहीं लेते, नहीं एक साथ, एक साथ आप नहीं करना। ठीक है हो गया कंप्लीट। तो 13-14 दोनों में डी आंसर आएगा, डी और डी सही। चलो इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए पॉइंट्स पढ़ेंगे अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, और ये टॉपिक हमारा फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें इतना ही है।